क्यों है ये इतना आसान क्यों है बताओ, क्यों इतना आसान बनाया गया बताओ, ऐसा सब्जेक्ट इतना आसान क्यों है, ये मैथमेटिक्स इतना आसान सब्जेक्ट क्यों है बोलो। अब तुम्हें लग रहेगा मजाक कि हम कर रहे हैं मजाक, मजाक नहीं कर रहे, वाकई में बहुत आसान सब्जेक्ट है, बिल्कुल हलवा। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस मैथ्स के लेक्चर में, जिसमें हम लोग क्लास 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। कहने को तो बहुत आसान है, जिन लोगों ने मेरा मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है, अभी भी अगर आपने मैट्रिक्स का लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो अगर मैट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आया था तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। तो आज इंट्रोडक्शन हम करेंगे डिटरमिनेंट्स का, क्या मतलब होता है, किस तरीके से डिटरमिनेंट्स निकाली जाती है, वगैरह वगैरह सारी बातें आज मैं बताने वाला हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बिना टाइम वेस्ट किए कुछ बोले स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। आप देख रहे होंगे, वैसे मैं डेली बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ाता था, आज आप देख रहे होंगे सर आराम से बैठे हुए। हाँ, पढ़ाने का मेथड थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, और जो चीजें मैं आपको विजुअलाइज नहीं करा पाता था अब मैं वो आपको विजुअलाइज करा पाऊंगा। सारे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको पीपीटी की फॉर्म में बने बनाए मिलेंगे, तो इससे काफी हेल्प होगी और आपकी स्टडी भी इंप्रूव होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बच्चों ये लेक्चर, जो कि बहुत बेहतरीन होने वाला है। डिटरमिनेंट्स क्लास 12 इंट्रोडक्शन लेक्चर 1। तो पहले ये जान लेते हैं कि डिटरमिनेंट्स कहते किस चीज को हो, क्या है डिटरमिनेंट। देखो बच्चों, ये जो डिटरमिनेंट आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहां से पढ़ते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज एसोसिएटेड विद अ स्केलर। देखिए मैं एक बात को यहां पर कर रहा हूं, सर्कल स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी कि डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होगा। अब ये डिटरमिनेंट है क्या, उसको किसी एक मेथड से, किसी एक लॉजिक से हम ओपन करेंगे, ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू में कोई ना कोई स्केलर आएगा। अब ये स्केलर रियल नंबर भी हो सकता है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, उसमें कुछ भी आ सकता है, वही उसका डिटरमिनेंट कहलाएगा। इस डिटरमिनेंट को सपोज कर लो कोई क्या है, मैट्रिक्स है ए, तो उसका डिटरमिनेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए। ये जो दो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इनको पता है आपको मॉड बोलते हैं, अब यहां पर हम उसको डिटरमिनेंट का साइन बोलते हैं, तो ये आ गया डिटरमिनेंट, टू डेजिग्नेट इट्स डिटरमिनेंट। या फिर कभी कभी जनरली हम डिटरमिनेंट्स को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, तो ये इसके डिनोटेशन है, इसके रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से डिटरमिनेंट को दिखाया जाता है। सपोज कर लीजिए कोई मैट्रिक्स था A इक्वल टू, और मैट्रिक्स क्या है, रो वाइज 2 1 0 3, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा, देखिए ये जो आपकी जो ब्रैकेट थे ये अब ऐसे हो जाएंगे, सीधे मॉड वाले ब्रैकेट बन जाएंगे, ये देख रहे हैं आपको, सीधी लाइनें हो गई हैं ये देखिए, यस ये देखिए, इधर मत देखिए उधर देखिए, समझ में आ रही है बात। हाँ, तो इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है बच्चों, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूं। अब आपको बैक टू बैक इसके लेक्चर मिलते जाएंगे, 2-3 दिन लेक्चर में बना नहीं पाया, थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट कंटिन्यूस अब आपको लेक्चर मिलेंगे ही मिलेंगे डिटरमिनेंट के। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जो प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट की, वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, अगर कोई बच्चा उनको पढ़ ले तो वो कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो आपका JEE हो, NDE हो, एसेट्रा एसेट्रा, तो वो प्रॉपर्टीज बच्चे रट लेते हैं, और इतनी सारी प्रॉपर्टीज हो जाती है, 12-13-14 प्रॉपर्टी है। आपने अगर थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तो वहां पर क्या होता है, समझ में नहीं आ पाता कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। अभी तक जितने बच्चों को पढ़ाया सबको यही प्रॉब्लम, यही बोलते सुना है कि सर प्रॉपर्टीज का कुछ समझा दीजिए, प्रॉपर्टीज में दिक्कत आती है। तो एक एक प्रॉपर्टी का प्रूफ कराऊंगा, प्रॉपर्टी की सीरीज अलग से बनाऊंगा इस पर, जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज मिलेंगी आपको, 3 लेक्चर विद प्रूफ। तो चलिए डिटरमिनेंट की शुरुआत कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट समझ में आ गई, डिटरमिनेंट क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड कोई स्केलर नंबर आएगा, कैसे आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स 1 by 1 का हो सकता है, 2 by 2 का हो सकता है, 3 by 3 का हो सकता है, और एक इंपॉर्टेंट मेथड भी पढ़ाऊंगा। बच्चे ये समझते हैं कि हम एक रो के अबाउट ही खोल सकते हैं, एक कॉलम के अबाउट ही खोल सकते हैं, लेकिन एक डिटरमिनेंट बनाने के कई सारे मेथड हैं, धीरे धीरे सब सिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ 1 × 1 मैट्रिक्स, यानी कि कोई 1 × 1 मैट्रिक्स है, सपोज कर लो एग्जाम्पल के लिए ये एक मैट्रिक्स हो गई, एंट्री भी 1 ही ले लो, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट जो आएगा अगर हम इसको ए से डिनोट कर लें बच्चों, तो ये जो मॉड ए आएगा ये 1 ही हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट 1 का 1 ही हो जाएगा,
तो ये तो वन बाई वन का अ सिंगल नंबर वैल्यू दैट एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स वो उसका डिटरमिनेंट कहलाएगा। हाँ ये हो गई बात। तो अगर कोई सिंगलेटन मैट्रिक्स है, आपको याद होगा क्लास मैंने सॉरी क्लास की बात कर रहा हूं, मैंने आपको पिछले लेक्चरों में पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको समझाया था मैट्रिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं सिंगलेटन मैट्रिक्स बोलते हैं अगर आपको याद हो तो। हालांकि इसकी जरूरत अभी आपको कहीं पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिए कि सिंगलेटन मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो वही आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिटरमिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो प्रिंसिपल डायगनल सभी समझते हैं मेरे बच्चे, प्रिंसिपल डायगनल क्या होता है, जब आप यहां से चलेंगे इस तरीके से कोई अगर आप मैट्रिक्स मान लें, देखिए जल्दी से देख लीजिए स्क्रीन पर देखिए A11, A12, अभी 2x2 की बात चल रही है, A21, A22, है ना। तो प्रिंसिपल डायगनल जो आपको पहला एलिमेंट बनेगा उसके साथ जो डायगनल बनता है इसी डायगनल को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगनल। ये क्या है बच्चों प्रिंसिपल डायगनल है। फिर दूसरा कौन सा डायगनल है सर, दूसरा कौन सा डायगनल है, दूसरा डायगनल है ऑफ डायगनल, डायगोनल डायगनल, ठीक है। ये वाला जो डायगनल है इसको क्या बोलते हैं ऑफ डायगनल बोलते हैं, ऑफ डायगनल। तो कैसे आएगा डिटरमिनेंट, तो देख लीजिए आपको यहां पर साफ दिखाई दे रहा होगा, यहां पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई पड़ जाए मैं क्या बोल रहा हूं। तो प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट की मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि ए की डी से मल्टीप्लाई करा लो, देखो फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर ऑफ डायगनल की मल्टीप्लाई में लगा दो यानी कि बी इंटू सी। तो ये एक 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। क्या करना है, निंजा टेक्निक लगानी है, यू करके सबसे पहले राइट हैंड खड़ा करना है यानी कि राइट की तरफ से। तो पहचान बनाने के लिए मैंने क्या बोल दिया, प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट माइनस ऑफ डायगनल के एलिमेंट और यू करके निंजा टेक्निक लगा दो, बात हो जाएगी खत्म। तो जो भी आंसर आएगा जो स्केलर आएगा सही है वही हमारा क्या होगा इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाएगा। चाहे उसको आप इस तरीके से लिखो चाहे डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक यहां पर इमेज ऐड करी है, देखो भाई जल्दी से, ये कोई क्या थी मैट्रिक्स थी। अब इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है तो क्या करा, पहले मल्टीप्लाई कराई प्रिंसिपल डायगनल की और माइनस ऑफ डायगनल, माइनस का साइन बीच में लगेगा। तो ए इंटू डी देखो कितना आएगा, 8 3 24 माइनस का और फिर बीच में माइनस का साइन लगेगा और 15 7 105, 105 में 24 क्या करो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा माइनस का 129 हो जाएगा। तो ये जो स्केलर नंबर आया ये इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा डिटरमिनेंट कहलाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। अब 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना सीख गए, बिल्कुल सीख गए, कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्योंकि मैंने कहा था प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अगर मैं यहां पर 3x3 की मैट्रिक्स ले रहा था तो लेक्चर बड़ा लंबा हो जाता, कंफ्यूज हो जाते आप, सर में दर्द हो जाता, भाग जाते, है ना। तो इस लेक्चर को पूरा देख लो, इसमें 2x2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। 3x3 का अलग से जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो 3x3 का ही होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, जल्दी बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या बताया था, प्रिंसिपल डायगनल, कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का। तो प्रिंसिपल डायगनल क्या है, ये है रहा यानी कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ डायगनल, तो माइनस में है साइन थीटा और दूसरा भी क्या है साइन थीटा है, कोई दिक्कत होने ही नहीं देंगे। क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यार बताओ इससे आसान क्या होगा। क्यों है ये इतना आसान, क्यों है बताओ, क्यों इतना आसान बनाया गया बताओ, ऐसा सब्जेक्ट इतना आसान क्यों है, ये मैथमेटिक्स इतना आसान सब्जेक्ट क्यों है बोलो। अब तुम्हें लग रहेगा मजाक की हम कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, वाकई में बहुत आसान सब्जेक्ट है, बिल्कुल हलुआ सब्जेक्ट है, बिल्कुल देख रहे हो कितना क्वेश्चन आसान है। क्या करना है, इधर की मल्टीप्लाई ऐसे करनी है, माइनस लगा के इधर की मल्टीप्लाई ऐसे करनी है, अब दो माइनस आ गए तो प्लस तो हो ही जाएगा, और बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो आज 2x2 का मैट्रिक्स बिल्कुल क्या करूंगा, बिल्कुल फिनिश करके लॉक करके भेजूंगा बिल्कुल। तो ये एक्सरसाइज 4.1 का दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट था, पहला तो बहुत आसान है इसलिए लिया नहीं, थोड़े ढंग के क्वेश्चन ले लिए हैं, समझ में आ रही है बात। तो ये डिटरमिनेंट हमें इवेल्युएट करना है, प्रिंसिपल डायगनल की मल्टीप्लाई यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन, बताइए माइनस ऑफ डायगनल की मल्टीप्लाई, ऑफ डायगनल एक्स प्लस वन और मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो देख लो यार, आराम से पढ़ लो, ये कोई इतनी खास चीज है नहीं, मजा आएगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। प्रॉपर्टीज देखो भाई, एक्स स्क्वायर की एक्स से मल्टीप्लाई कराया एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर की वन से कराया तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स की एक्स से कराया माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स की वन से कराया माइनस एक्स हो गया, प्लस वन की एक्स से कराया प्लस एक्स हो गया, प्लस वन की वन से कराया तो प्लस वन माइनस। सही बात समझ आ रही है, एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन का बनेगा होल स्क्वायर, जो कि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस का टू ए बी यानी कि टू। सही है, देखो एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, ये बचा एक्स क्यूब प्लस वन, और इधर बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वन एंड 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 माइनस का टू एक्स। सही है बात, माइनस ओपन हो जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स क्यूब बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस का टू एक्स बचेगा। चाहो तो एक्स कॉमन ले लो, क्या फर्क पड़ता है, अगर एक्स कॉमन ले भी लोगे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का एक्स आ गया और माइनस का टू आ गया, तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया। एक्स की वैल्यू जैसे ही आप बता दें, ओके सर आपने कहा था एक नंबर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड, एक नंबर होता है या कोई स्केलर होता है, ये तो आपका वेरिएबल आ रहा है, आप एक्स की वैल्यू फिक्स कर दीजिए, ये नंबर भी फिक्स हो जाएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है, समझ गए। और जब आप एक्स की वैल्यू फिक्स कर देंगे तो ये भी क्या बनेगा, कोई ना कोई नंबर बनेगा, या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, बस हमें क्या फर्क पड़ता है आंसर निकालना। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें एक प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है, वो प्रॉपर्टी आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी समझा देंगे प्रॉपर्टी। ये कह रहे हैं इफ ए इक्वल टू, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 2, सो दैट 2a का मॉड, यानी कि पहले 2 की a से मल्टीप्लाई करानी है, उसके बाद में उसका मॉड निकालना, मॉड बोले तो डिटरमिनेंट, और फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कराना है, दोनों इक्वल वा आएंगे, इक्वल वा। देखो हम आपको समझाएं, प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आपने किसी मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई कराई और वो मैट्रिक्स ए थी के ए, और उसका आपने मॉड यानी कि डिटरमिनेंट निकाला, तो ये जो कांस्टेंट है इसकी पता है कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई एन बार हो जाएगी, यानी कि अगर ये बाहर आएगा तो के की पावर एन बन के बाहर आएगा, वेयर एन क्या है, एन है सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा एन। देखो भैया दो था ये, जब ये दो बाहर आया तो कितना बन गया, 4 बन गया, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 × 2, तो देखना जरा 2 की पावर 2 क्या होगी, तो 4 आएगा कि नहीं आएगा, ये प्रॉपर्टी हम इसको समझाएंगे भी कैसे आया, बट हमने यहाँ पे आपको पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ा दी है, इसको आप एडवांस में ही नोट करके लिख सकते हैं ये यहाँ से आया, लेकिन अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे बच्चों, ठीक है, क्या करेंगे प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे, तो पहले हम 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2a की वैल्यू क्या आएगी, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 1 2 2 2 4 2 4 8 और 2 2 4। अब हम क्या करेंगे, मॉड यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a निकालेंगे, तो प्रिंसिपल डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल 8 4 8 4 2 4 8 8 4 32, कितना बचेगा, तो 8 में से 32 जाएगा तो माइनस का बचेगा 24, ये आई मॉड यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a। अब हम पहले डिटरमिनेंट a का निकाल लेते हैं और उसमें फिर 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बार बना दो, ठीक है, पहली इक्वेशन वह बना दो, सही है। अब निकालो भैया प्रिंसिपल डायगनल यानी कि 1 × 2 माइनस ऑफ डायगनल यानी कि 4 × 2, कहां से लिख रहे हैं, देख के यहां से लिख रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं, 1 2 2 4 2 8 कितने बचे सर, माइनस का 6 बचा, तो यहां से लगे हाथों क्या निकाल लो, 4 × mod 8, 4 × −6 कितना आ रहा है आंसर, ये भी माइनस का 24 आ रहा है, दूसरी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट 2a का डिटरमिनेंट बराबर आ रहा है 4 × determinant of a, यानी कि जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी वो वेरीफाई हो रही है, क्लियर है बात के नहीं है, यही तो लॉजिक है, यही तो फंडा है, ठीक है बच्चा लोग, बात समझ में आ गई। अब आया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना या समझ लिया होगा आपने, आज जो है अपना बेस बना लो डिटरमिनेंट का, किस तरीके से डिटरमिनेंट सॉल्व करता है, आगे चलते हैं, 12th क्लास के बच्चे के लिए हलवा चीजें हैं, आगे प्रॉपर्टी आएंगी ना तब आएंगे भाई, लेवल के क्वेश्चन आईआईटी जेईई के क्वेश्चन कैसे आएंगे सब बताया जाएगा, आज जो है वो बेस बना लो। देखो इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट इक्वल है तो एक्स की वैल्यू बताओ, सीधी सी बात है, कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल डायगनल 2 1 जा ऑफ डायगनल 4 5 जा इक्वल है प्रिंसिपल डायगनल यानी कि 2x की x से कराएंगे, सीधी सी बात है, माइनस 6 × 4
सही है। तो 2 1 2 माइनस 4 5 20, 2x के x से कराओगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, और 6 4 24 हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। कितना बचा, माइनस का 18, कितना हो गया ये 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 24। तो भाई 2x स्क्वायर माइनस 24 उधर प्लस में जाएगा बच्चों के, नहीं जाएगा, तो 24 और माइनस का 18 कितना बचेगा, 6 बचेगा। सही बात है ना, तो x² बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया सर, प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो गया। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत? अरे बहुत आसान है, इससे हलवा क्या होगा, आंसर चेक कर लो, बिल्कुल सही आ रहा है। 2 4 5 20 माइनस का 18 और ये हो गया 2x स्क्वायर, फिर 24 उधर गया, 6 बचा, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये भी सेम क्वेश्चन है इस टाइप से, ठीक है, इसको क्या करो, इसको होमवर्क में करो यार, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ तो करो ना मेहनत। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये MCQs फॉर्म में, यानी कि NCERT की एक्सरसाइज 4.1 में जितने भी क्वेश्चन 2x2 डिटरमिनेंट के थे वो सारे हमने करा दिए। कह रहे हैं इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है MCQs की फॉर्म में NCERT में, ठीक। तो भाई x की वैल्यू क्या होगी, कराओ मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस 18 2 36, 6 6 36 और 18 2 36, 36 से 36 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। सीधी सी बात है, x बराबर प्लस माइनस 6 आ जाएगा ना, कौन सा हुआ, बी वाला ऑप्शन हो गया, बिल्कुल एकदम बिंदास, ठीक है ना, बिल्कुल बिंदास तरीके से हो गया। अब बताइए 2x2 का और 1x1 का जो डिटरमिनेंट है उसमें कोई दिक्कत, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए हो जाएगा आराम से, दो इक्वल आएंगी डिटरमिनेंट तब भी कर लोगे, और कोई डिटरमिनेंट इवेल्युएट करने को आएगी तब भी कर लोगे, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में आएगी तब भी कर लोगे। तो ये था आज का बेसिक, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा आपको कल, उसमें 3x3 के डिटरमिनेंट पे बात करेंगे, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 6 तरीके सिखाएंगे कि 6 तरीके से आप 3x3 का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, 6। और अगर एक उसमें मैं सेरस मेथड भी जोड़ दूं, सेरस मेथड जो बहुत बढ़िया मेथड है, सबसे आसान मेथड है, लेकिन 12th क्लास में तो पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि किताब में नहीं है, तो 7 मेथड हो गए, लेकिन वो जो सस्पेंस है वो खुलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए रहेगा इतना ही बच्चों, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और इसी तरीके से हमको सपोर्ट करते रहिए, इस लेक्चर को शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।